एवरीवन, मैं डॉक्टर वसीम खान, आई एम ए फिजिशियन। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको लाइपोमा के बारे में जानकारी देने वाला हूं। लाइपोमा यानी चर्बी की गांठ। देखिए, इसे यूनिवर्सल ट्यूमर कहा जाता है। शरीर में जिस जगह पर भी चर्बी हो, यहां पर उसकी ये गांठें बनती है। अक्सर मरीजों में ये गांठें शरीर के बाहर होती है, कुछ लोगों में वेरी रेयरली ये शरीर के अंदर भी गांठें पाई जाती है, जैसे कि फुट ट्रैक हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक, सांस की नली हो, यहां पर भी ये गांठें देखी जा सकती है। जहां तक प्रिवेलेंस की बात करें तो 100 में से एक लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप में से भी कुछ लोगों को शायद ये प्रॉब्लम हो। इसकी वजह क्या है? 2/3 केसेस में ये देखा गया है कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण ये लाइपोमास होते हैं। कुछ लोगों में जिनमें मोटापा है या अल्कोहल की जिन्हें आदत है, शराब की लत है, या कोई लिवर संबंधी बीमारियां हैं, उनमें ये लाइपोमा की गांठें, चर्बी की गांठें शरीर में पाई जाती है। कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि शरीर पे कहीं चोट लगने पर, जिस जगह पर ये चोट लगती है वो ठीक होने के बाद चोट लाइपोमा की गांठें बनना स्टार्ट होती है। जहां तक इसके लक्षण की बात की जाए तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये बिल्कुल असिम्प्टोमेटिक होता है। इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं अनलेस एंड अंटिल कोई नर्व या ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो या वो गांठ किसी जॉइंट के ऊपर हो, तब वो कुछ पेशेंट में दिक्कत पैदा करती है। पेशेंट स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ पेन इन दैट स्वेलिंग और ट्यूमर। ये बिल्कुल बेनाइन है, कोई इसका कैंसरस पोटेंशियल नहीं है। वेरी रेयरली ये पाया गया है कि कुछ लाइपोमा की गांठें आफ्टर सर्टन ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये कैंसर में तब्दील होती है, बट दैट इज वेरी रेयर। सेकेंड थिंग मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को ये लाइपोमा की गांठ सांस की नली में होती है या फुट ट्रैक में होती है, तो उनमें ये सिम्टम्स थोड़े से सीवियर हो जाते हैं। अगर सांस की नली में हो तो सांस लेने में दिक्कत पेशेंट महसूस करता है। खाने की नली में हो तो उल्टी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस करता है। डायग्नोसिस बड़ा ही सिंपल है, मोस्ट ऑफ द केसेस क्लिनिकली ही डायग्नोस हो जाते हैं। हालांकि अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी भी करके इसको डायग्नोस किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, अनलेस एंड अंटिल गांठ पेनफुल हो या उसका साइज तेजी से बढ़ रहा हो या ज्वाइंट पर गांठ हो जिसकी वजह से ज्वाइंट मूवमेंट में दिक्कत आ रही हो, तो इसका इलाज करना पड़ता है। या जिन लोगों में ये गांठ फुट पाइप में है या रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी सांस की नली में है, तब भी इसे एंडोस्कोपी करके निकालना पड़ता है। हमने कई सारे पेशेंट में ये देखा है कि पेशेंट कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से इसके ट्रीटमेंट के लिए इंसिस्ट करते हैं, उन लोगों में भी हमें इसका इलाज करना होता है। दो तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, एक है इंजेक्शन से, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देकर भी इसको इलाज किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। दूसरा जो मोस्ट कॉमनली करते हैं, गांठ को जिस हिस्से में भी है वो गांठ उसको एक्साइज करके निकाला जाता है और वहां पर स्टिचेस दी जाती है। बड़ी ही सिंपल सी प्रोसीजर है, माइनर ओटी में हो जाती है, इसके कोई भी कॉम्प्लिकेशंस, मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सो डोंट वरी, आप जिन लोगों को इस प्रकार की गांठ की समस्या है, पहले तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, देखें कि ये गांठ लाइपोमा है या कुछ और। अगर लाइपोमा है तो बिल्कुल घबराए नहीं, ये कैंसरस गांठ बिल्कुल नहीं है, आपको ट्रीटमेंट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है? सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द लाइपोमा। थैंक यू।